दिस इज केडी सर फ्रॉम शिवम एजुकेशन। आज हम स्टैटिस्टिक्स पार्ट वन में चैप्टर नंबर टू करने वाले हैं, दैट इज लीनियर कोरिलेशन। राइट स्टूडेंट्स, टुडे बिफोर स्टार्टिंग आई नीड टू से समथिंग। राइट, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। राइट, ये दसवीं जो टेंथ स्टैंडर्ड है वो आप पार कर चुके हैं, बरोबर। ये जो टेंथ स्टैंडर्ड तक जो था वो आपका सिर्फ सिलेबस कोर्स था, लेकिन आफ्टर टेंथ यू हैव चोजन अ पाथ towards your career। आपने एक career path select किया है, तो अगर आप सही में अपने career में, अपने future में successful होना है, तो आप जो कुछ सीख रहे हैं, उसे अच्छी तरह से सीखिए। right? मेरा कहना ये है कि अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसे perfect सीखिए। Statistics is also one of the very important subject which is going to be very useful in your practical life, right? In your day-to-day work। So स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है सिर्फ सम्स करने में बहुत ही तल्लीन रहते हैं, सीखने में, सम्स को सीखने में, सम्स को प्रैक्टिस करने में रहते हैं, लेकिन दे इग्नोर दी थियरी पार्ट। दे थिंक दैट थियरी का तो क्या है, एग्जाम के पहले दिन हम पढ़ लेंगे, मार्क्स मिल जाएगा। राइट, ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में पहले आप थियरी पढ़िए। थियरी पढ़ने से पहले तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, व्हाई दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड, इस चैप्टर का महत्व क्या है, ये चैप्टर का कहाँ यूसेज होता है, ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है। राइट, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होगा, ये सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा थियरी पढ़ने से। तो बिफोर डूइंग सम्स प्लीज रीड थियरी पार्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो ले लीजिए, या तो डिजिटली आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन पहले थियरी कीजिए। राइट, सो टुडे for this chapter I will also start with the theory part, so that we clear our concept, what is this chapter, right? Linear correlation, chapter number 2, kya hota hai, barabar, kise kehte hai linear correlation, that we are going to start. Okay, let's start. Agar aapko ye chapter hamara explanation acha lage to please like, share aur subscribe karna, aur bell icon press karna, so that aapko isi tarah ke chapters ke इंटीमेशन मिलते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टू स्टडी टू और मोर वेरिएबल्स एट अ टाइम। राइट, सबसे पहले अभी तक बहुत सारे जो 11th स्टैंडर्ड में भी हमने ऐसे चैप्टर्स देखे, स्क्यूनर्स, स्नफो, ये सब चीजों में अगर आप देखो तो सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा। राइट, लेकिन अब ये चैप्टर और आने वाले चैप्टर में हम टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि एक वेरिएबल जब पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल पढ़ना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, एक इंडस्ट्री ले लीजिए, सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर सेल ऑफ प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ प्रॉफिट क्या हुआ, राइट, ये पढ़ना जरूरी है, सो दैट वी कैन एनालाइज द कंपनीज ग्रोथ। एम आई राइट? ईयरली रेनफॉल, अगर रेनफॉल हुआ तो यील्ड ऑफ राइस, राइस कितना ग्रो हुआ वो देखना है। प्राइस एंड डिमांड, देखिए ये सारे जो है साइमल्टेनियस या साथ में चलते हैं, तो ये टू वेरिएबल एट अ टाइम पढ़ने वाला है, एंड दैट्स व्हाई दिस चैप्टर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। नाउ कोरिलेशन, पहली बात ही देख लीजिए, कोरिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन का मतलब क्या है, संबंध। राइट, तो रिलेशन का मतलब संबंध है, को का मतलब क्या है, एक दूसरे से, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ दे आर इफेक्टेड टू ईच अदर, व्हेन वन ग्रोस अदर पे क्या इफेक्ट आता है, साथ में ग्रो होते हैं कि साथ में डाउन होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग लीनियर कोरिलेशन में। लेकिन कोरिलेशन तो बता दिया, अब ये लीनियर, लीनियर का मतलब ही देखिए, लीनियर मतलब लाइन। राइट, लीनियर मतलब लाइन। अगर आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें लीनियर जो था वो स्ट्रेट लाइन जब आता है उसे हम लोग लीनियर कहते हैं। तो यहाँ भी कोरिलेशन वेरिएबल्स का ऐसा इफेक्ट होता है, राइट, आइदर दे विल ग्रो टुगेदर और आइदर दे विल कम डाउन टुगेदर। तो ये लाइन हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लीनियर correlation। Okay, right, now this chapter is about the relationship between two mutually related variables, just maine bataya correlation। Now what is univariate distribution and what is bivariate distribution? If it is obtained by collecting the information of just one variable, ek variable ka information collect karte hai, ek unit ka, for example ek student le lijiye, uske marks humne collect kiye, so that means only one variable, that is called as univariate। राइट, तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरिएट डेटा, और उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे बाई वेरिएट, बाई मतलब टू, जब भी कोई एक यूनिट का दो डेटा कलेक्ट,
बराबर उसके दो रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाईवेरिएट डेटा, और उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे बोलते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसमें देख लीजिए, कोई भी ले लीजिए, डिमांड एंड सप्लाई, राइट, रेल ऑफ रेनफॉल एंड राइस, ये जो है दो वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड बाईवेरिएट। नाउ लेट्स सी द मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग, द साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल्स आर मेनली ड्यू टू आइदर देयर इज अ कॉज इफेक्ट। कॉज इफेक्ट मतलब क्या है, कोई एक रीजन होगा और उसका इफेक्ट होगा, राइट। रेनफॉल हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, सारे ग्रेन्स ग्रो हुए, राइट, वही हुआ। रेनफॉल नहीं हुआ तो सारे ग्रेन्स, तो उसका इफेक्ट बताता ही है, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ देयर आर आल्सो टू वेरिएबल्स चेंज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। ये क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल ये रेनकोट ले लीजिए, रेनकोट और रेन शूज, ये दोनों दो वेरिएबल है, रेनकोट, सेल ऑफ रेनकोट, सेल ऑफ रेन शूज, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये खरीदेगा तो ये खरीदेगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों डिपेंडेंट है रेनफॉल पे। अगर बारिश होगा तो ये दो बिकेंगे, सही बात है कि नहीं। तो तीसरा फैक्टर जो है वो है रेनफॉल, दिस इज कॉल्ड अदर फैक्टर, राइट, दिस इज कॉल्ड अदर फैक्टर, या तो बोलो इनडायरेक्ट इफेक्ट। क्या बोलते इसको, पहला वाला जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट है, दूसरा वाला क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। नाउ कोरिलेशन का फिर से मीनिंग देख लीजिए, डेफिनेशन, इफ देयर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, देन इट इज सेड दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन देम। ये आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझ लीजिए, इफ देयर इज साइमल्टेनियस चेंज, साइमल्टेनियस मतलब एक दूसरे के इफेक्ट पे, बराबर, एक का बढ़ती हुआ तो एक का घटती हुआ, या तो बढ़ती हो गया उसका, इसके वजह से ये जो इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट। देयर आर साइमल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट, देन इट इज सेड दैट देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। नाउ लीनियर कोरिलेशन, इफ द पॉइंट्स प्लॉटेड, राइट, ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो अगर आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पे, करस्पॉन्डिंग टू ऑर्डर पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर ऑन अ लाइन और नियरर टू द लाइन, देखिए आर ऑन लाइन और नियरर टू द लाइन, देन द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर कोरिलेशन। देख लीजिए, ये सारे डेटा प्लॉट किए गए, दिख रहा है आप लोगों को, राइट, ये सारे डेटा प्लॉट किए गए, अगर ये लाइन के आजू बाजू भी हैं, राइट, तो देखिए ये दिख रहा है आपको, राइट, ये लाइन के अगर आजू बाजू भी हैं तो अभी इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। सिंपल लॉजिक है, पॉजिटिव मतलब दोनों अगर एक साथ बढ़ते हैं, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ता है, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ता है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो व्हेन द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कोरिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, द कोरिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में खाली तो एक ही वर्ड का फर्क है, द सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये देखिए ये सेम डायरेक्शन में है, इसका जिससे पॉजिटिव है, ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैसे ऑपोजिट, देखिए अगर ये एक्स एक्सिस 1 है तो सीधा वाई एक्सिस टॉप पे जाएगा, राइट, उल्टा है, ये कम हुआ तो ये बढ़ता है, तो ये जो चीज है ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन, राइट, और ये जो है देयर इज नो कोरिलेशन, कहीं भी लाइन नहीं बना सकते हैं, राइट, ये स्कैटर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट, अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट अगर आपको याद है हम लोग एलजेब्रा में पढ़े होंगे, फाइ एक्स मतलब फाइ टाइम्स एक्स, दैट इज वैल्यू गिवन, कितनी बार, मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं उसको, राइट, दैट इज व्हाट कोएफिशिएंट। तो यहां भी वही है, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। वापस बताऊं, द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, दिस मेजर वाज सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन। नाउ मेथड्स टू डिटरमाइन द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, देयर आर स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड एंड स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, बराबर, ये तीन मेथड है, हम लोग एक एक मेथड करेंगे। पहला मेथड हमारा एक्सरसाइज 2.1 वाला है, जो सिर्फ ग्राफ है वो एक्सप्लेन करते हैं,
फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दोनों, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। पहले हम लोग ये स्कैटर डायग्राम मेथड से शुरू करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन, अ बॉल पेन मेकिंग कंपनी वांट्स टू नो द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई, द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई इन 1000 यूनिट ऑफ इट्स मोस्ट सेलिंग जेल पेन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर इट, ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट इट। देखिए यहाँ पे दो चीज करना है, एक तो आपको स्कैटर डायग्राम दौड़ना है, ग्राफ दौड़ना है, और दूसरी बात उसको इंटरप्रेट करना। व्हाट इज इंटरप्रेट, आपको क्या लग रहा है, कैसे था बरोबर, जो हमको डेटा डिस्ट्रीब्यूशन था वो किस तरह था, आइदर इट इज फॉर कंप्लीट पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो बताना है, और उसके भी आपके मार्क्स है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। और एक बात बता दूं आप लोगों को, ये चैप्टर आपके 12 मार्क्स का है, बरोबर। तो जो चार चैप्टर हैं पार्ट 1 सब 12-12 मार्क्स के हैं, तो ये चैप्टर भी आपके 12 मार्क्स का है। तो आपको थियोरी एज वेल एज सम्स पूरी अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब पहले प्राइस और मंथली 1000 मंथली सप्लाई दिया है, तो पहले आपको क्या करना है, ग्राफ जोड़ना है। ये डायग्राम आप दो लीजिए, राइट, इस तरह का ग्राफ जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ये, अब यहां पे क्या है, जैसे आपको देखना है कि ये हमको कहां कहां कौन सा है? सबसे अगर आप देखें ये ले लीजिए, सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, देखिए तो इसमें सबसे छोटा वाला है 11, राइट, और सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है 17, तो 11 और 17 है। और यहाँ पे ऊपर में देखिए वैसे ही छोटा वाला नंबर कौन सा है 12 और सबसे बड़ा कौन सा है 53। नाउ लेट्स सी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कंटिन्यूटी का इसे भी दौड़ देना है, राइट। ये राइट, फिर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन, राइट। और यहां ऊपर हमको क्या करना है, वैसे ही 50 तक है, 60 तक, तो 10 20 30 40 50 60 70 इस तरह आपको दौड़ लेना है, राइट। अब देखिए अगर आप ध्यान से एक एक करके अगर हम कोरिलेट करते जाते हैं पहले वाला सम का, राइट, ये फर्स्ट वाला है 14 पे 32, राइट, 12 14 पे 32 कहाँ आएगा बताइए, ये बरोबर यहाँ, ओके। सेकंड 16 पे 50, तो 16 पे 50 मतलब ये आएगा यहाँ, राइट। फिर उसके बाद आएगा 12 पे 20, 12 पे 20 ये आपका यहाँ आएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे 70 ले लीजिए और ये 50 था तो ये 53 उसके आगे, राइट। अब देखिए स्ट्रेट लाइन तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए अगर हम लाइट दौड़े तो थोड़ा सा परफेक्शन आएगा, एम आई राइट, ओके। अगर आप लाइट दौड़ के देखें लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है, परफेक्ट कंप्लीट नहीं है, तो हमको क्या लिखना है कि पॉइंट्स आर नॉट इन परफेक्टली इन लाइन, वी कैन से दैट there is a partial, right, partial positive correlation. अब क्यों positive बोला है, क्योंकि ये upward की तरफ जा रहा है, am I right, upward की तरफ जा रहा है, therefore it is called partial positive correlation between them, correlation between x and y, right।
अब यहां पे आपको यहां पे लिख देना है प्राइस इन रुपीज, फिर यहां लिखना है मंथली सप्लाई, राइट, मंथली सप्लाई, ओके, ये इस तरह लिखना है। और हो सके तो आप, क्योंकि हम लोग देखो यहां पे 00 होता है राइट, लेकिन 11 से स्टार्ट किया तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट, राइट, कनेक्टिंग टू, या तो इट इज डायरेक्ट टू, रिलेटेड टू, ये जो है इसको शॉर्टकट करते हैं, राइट। तो यहां पे आप अगर है तो आप एक्स एक्सिस का यूनिट लिख दीजिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट, यहां पे लिख दीजिए 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड। तो ये हमारा पहला सम है, आपको ये मैं मेरे यहाँ पे जो है टेम्पलेट है इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, आपको नीचे लिखना है और स्केल और पेंसिल का यूज करना है, बिकॉज आपका जितना परफेक्ट रहेगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। नाउ सम नंबर 2, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स आरओ प्लांट्स फॉर द फैक्ट्रीज, द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर इट्स सेल एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट्स इज गिवन बिलो। बराबर, ये एडवर्टाइजमेंट का खर्चा के बारे में बात कर रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे और जो प्रॉफिट जो लेफ्ट में यूनिट में दिया है दैट वी विल टेक इन द ऑन द वाई एक्सिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, ड्रॉ ए स्कैटर डायग्राम फॉर दिस इंफॉर्मेशन, स्टेट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वापस इंटरप्रेट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, और अगर हम एक एक यूनिट लेते हैं तो आपको ये जो कंटिन्यूटी है ना वो दोहराना है, देखिए ये ऐसा, राइट, तो यहाँ पे देखिए ये 5 आएगा, ये 6 7, ओके, 3 4 6 7 8, आप अगर 7 से भी शुरू करना है तो कर सकते हैं, 10 11, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखिए अगर हमने 5 से यहाँ से लिया है तो इसका जो कंटिन्यूटी ड्रॉ करना है, कंटिन्यूटी खाली आप ऐसे छोटा सा चेंज जैसा दोहरेंगे तो बहुत है, और वैसे यहाँ भी कंटिन्यूटी बताना है कि ये हमारा 6 शुरू हो रहा है, और आपको पर स्केल लिख देना है एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज, क्योंकि क्या दिया है हम लोग को एक्स एक्सिस में कॉस्ट दिया है, बराबर, इन 1000 ऐसा करके दिया है, तो आपको 10,000 और y एक्सिस में लाख में दिया है, therefore 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लाख। नाउ ये जो मेरा पेन है ये डिजिटल पेन है, उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, आप जरा एडजस्ट कर लीजिए। ओके, नाउ यहां अगर आप लोग अभी डेटा पॉइंट करना स्टार्ट कर दें तो देखिए कैसा होता है, 5 के लिए क्या है 8, 5 किधर है एरिया और 8 किधर है यहां, राइट सर, ओके, 6 के लिए 7, 6 के लिए 7, 7 के लिए 13। नाउ अगर आप देखें ना तो ये जो है ये लाइन बन रहा है, अगर आप देखें तो ये बन रहा है, लेकिन आजू बाजू थोड़े से स्कैटर हुए हैं। फिर से ये देखिए, अगर व्हेन यू इंटरप्रेट, व्हेन यू से द कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन यू नीड टू सी हाउ दे आर स्कैटर्ड, आइदर दे आर स्कैटर्ड नियर बाय और वेरी फार, अगर वेरी फार होगा तो नो रिलेशन वाला होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे है, देयरफॉर यू विल से दैट वी कैन as the distribution of data are not perfectly online, right, therefore we can say that the relation between the correlation between x and y is partially, क्या लिखना है, partial positive correlation, बस ये लिखने के आपके मार्क्स आएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड सेकेंड नंबर सर। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन
the minimum day temperature and sale of woolen clothes in a particular day of winter for 6 different cities. बराबर, तो temperature और woolen clothes, woolen clothes किसके लिए काम आता है? विंटर में आता काम आता है. बराबर, तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका सेल डाउन हो जाएगा, जैसे टेम्परेचर कम होगा उसका सेल अप हो जाएगा. Am I right? It is opposite. दिख रहा है ना आपको? Right. तो let's see now. अगर आप देखिए मिनिमम डे टेम्परेचर 12, 28, 5. मिनिमम कौन सा है? 5 है. और मैक्सिमम क्या है? 24 है. ये एक्स एक्सिस में लेंगे. और सेल ऑफ वुलन क्लोथ 1000 यूनिट्स में अगर आप देखेंगे तो 35, 10, 45, 70 सबसे बड़ा है और 8 जो है सबसे छोटा है. राइट, आपको 5, फिर अगर आपको 24 तक जाना है, 5 से शुरू करके 24 तक, तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहां तो हम उसका 5-5 यूनिट में लेंगे, यहां तो फिर उसके बाद आपको 4-4 यूनिट में ले सकते हो, जैसा आपको चाहे वैसा. तो लेट अस सी, अगर यहां 10 के बाद आएगा 12 और ये 30 और 40 के बीच में आएगा, तो दिस इज, लेट सी पुट हियर. ओके, 20 पे 10 मतलब यहां आएगा 20 और 10, तो ये नीचे आ जाएगा, तो दिस इज नथिंग. लेकिन यहां आपने एक बात देखा, सम नंबर 1 और 2 में इट वॉज मूविंग लेफ्ट टू राइट बट ऑन दी अपवर्ड. नाउ सेम वे इट, दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट इट इज टुवर्ड्स दी डाउनवर्ड. राइट, तो ये डाउनवर्ड आएगा तो नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, हमने 2 टाइप्स में देखा था. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो यहां पे आपको पहले स्केल लिख लेते हैं, स्केल. राइट, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखा था हम लोगों ने नीचे, मिनिमम टेम्परेचर सेल्सियस का है ना, तो पहले तो ये टेम्परेचर लिख दीजिए. फिर यहां जो आएगा वो सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, आपको अभी इंटरप्रेट करना है. राइट, यहां पे लिखना है यर द डेटा, दैट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मूव्स towards left to right but in downward direction. राइट, ये आपको लिखना जरूरी है. आपको उसमें मैंने लिखना भूल गया था, तो उसमें लिखना है कि इट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहां पे लिख देना है. हेंस वी कैन से दैट as the distribution are not exactly falling on the same line, right, there is a partial negative correlation between x and y. Okay, itna likha hai. I hope students you understood. We have finished exercise 2.1, right? Illustration bhi karna aur ye exercise bhi karna. I will always suggest that first do illustrations, right? Illustrations already textbook mein kiye hue hain. अगर आपको किसी को इलस्ट्रेशन समझ नहीं पड़ा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, आई कैन एक्सप्लेन. ओके, तो जस्ट हैव प्रैक्टिस और फिर इसमें से एक सम आपको आएगा. राइट, या तो आपको इंटरप्रिटेशन के लिए स्पेशली आएगा, तो जस्ट डू दिस, प्रैक्टिस करो. लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 2.2 और अवर कार्ल पियर्सन मेथड. ओके, बट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, बाय टिल दैट. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, अगर आपको मेरा मेथड ठीक लगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट इट रीचेस टू नंबर ऑफ स्टूडेंट. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.